माँ बरकत नाम से, बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। खुदावन यसु एक गांव में दाखिल हुआ और वहाँ मार्था नामी एक खातून ने उसे अपने घर में उतारा। हमारे खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराफत आप सबके साथ हो। उसी में मेरे अजीजों, आप सबको आज की इस पाकमास की कुर्बानी को खुश आमदी। आज पाकमा कलीसिया एक बहुत बड़ी योम यादगार बनाती है। आज पाकमा कलीसिया मुकदसा मार्था, मरियम और नाजर की योम यादगार बनाती है। आज जब हम खुदावन के घर में दाखिल हुए, यकजा इकट्ठा और मुठित हुए हैं, तो आज इस इबादत को हम इसके साथ साथ शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजारते हैं। मुसलसल 5 दिनों के दौरान जब हम अपनी सालाना रिपीट में थे या गुजार रहे थे, तो यकीनन इस 5 दिनों के दौरान हमने खसूसी तौर पर फ्रांसिस्कन जाब्ताए हयात पर ध्यान किया। तो हम सब इंसान हैं, बड़ी बात है, थकावट है, बहुत दफ़ा अपनी इंसानी कमजोरी को थका और गलतियों की वजह से चाहते और ना चाहते हुए शौरी और नशौरी तौर पर, दानिश्ता और ना दानिश्ता तौर पर एक दूसरे को हम गलती देते हैं, एक दूसरे को हम फर्क भी करते हैं, एक दूसरे से हम अदालत भी रखते हैं, नफरत भी करते हैं। आगे हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, आज इस बात की कुर्बानी में शामिल हो सकते हैं। मैं कादिर मुतलक खुदा सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने इरादों, वादों, कामों में जो सत्र से बेशुमार गुनाह किए हैं, जिससे मैं मुकदसा मरी हमेशा गवाही और आप सबसे नमाज करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। ताज़े मुझे खुदा उन पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा जिंदगी में बाकी करे। आमीन। ऐ खुदा उन रहम कर, ऐ खुदा उन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा उन रहम कर, ऐ खुदा उन रहम कर। ताज़े मुझे और अज़ली खुदा, तेरा बेटा खुश होकर मुकदसा मार्था के घर में मेहरबान मेहमान भर कर उतरा। अनायत करके हम इस मुबारक खातून की सपाशियों की बदौलत अपने भाइयों में वफादारी के साथ मसीह की खिदमत करें और बाद अजी आसमानी दीवानों में तुझसे कबूल किए जाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से कितने साल रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सौकुलर करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 4वां बाब 7वीं से 16वीं आए। ऐ प्यारों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत इससे हम पर जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके ज़रिए से ज़िंदगी पाएं। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत रखी, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। ऐ प्यारों, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है
और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का निजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। उसके 11वें बाप में से उस वक्त बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे
ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्ता ने चूँ ही सुना यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो योम आखिर को क्यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क्यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर गया है तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है जो दुनिया में आने वाला था। जीले मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाए। अंधेरे में तू रोशनी कर दे, अंधेरे में तू रोशनी कर दे, तू मेरी जिंदगी को नूर से भर दे, तू मेरी जिंदगी को नूर से भर दे, अंधेरे में तू रोशनी कर दे, अंधेरे में तू रोशनी कर दे। खुदा जब भी मैंने तुझको पुकारा तूने सुन ली दुआ, खुदावन जब भी मैंने तुझको पुकारा तूने सुन ली दुआ। मैं अंधेरे में था क्यों भटक रहा, तूने है मुझे थामा। अंधेरे में तू रोशनी कर दे, अंधेरे में तू रोशनी कर दे, तू मेरी जिंदगी को दूर से भर दे। खर्च ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम तर बरकतों फजाइल के लिए और इस मोहब्बत के लिए जो खुदा तरह बतरह मेरी और आपकी ज़िंदगी में अदा करता है। और ये खुदा का फजल है कि जब हम इस रूहानी सफ़र से गुजरे, हमने जब अपनी रिट्रीट का आगाज़ किया, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा की इस मोहब्बत का, फजल का, कि खुदा ने हम पर जारी और सही रखा। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि हम पाकमा कैथी क्लीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस मार्था का यूम यादगार मनाते हैं, तो इसको जब हम मनाते हैं तो आज की तलावतों में जो मरकजी अनवान है, जो नुक्ता है, वो मोहब्बत है और खुदा पर ईमान है। और ये मोहब्बत जो है, हम देख सकते हैं आज की पहली तलावत में कि किस तरह से खुदा का बंदा जो है, पहले फर्स में यूहन्ना के बयान करता है कि जो खुदा में कायम दायम रहता है, खुदा की मोहब्बत उसमें रच बस जाती है, वो खुदा के साथ चलता है और खुदा उसमें कायम और दायम रहता है। और इसी तरह आज की जो अंजील मुकद्दस है, अगर हम इस पर गौर खोज करते हैं, इसी मोहब्बत को जो है हम इन तीन करैक्टर में देख सकते हैं कि किस तरह से मरियम, मार्था और लाजर जो है खुदा से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, और ये ईमान भी रखते हैं कि जो कुछ खुदा से चाहेंगे खुदा वो उन्हें अता करेगा। और इसी मोहब्बत में कायम दायम रहते हुए हम देख सकते हैं कि इस तीनों करैक्टरों को मैं देख रहा था मुकद्दस फ्रांसिस की ज़िंदगी से,
कि किस तरह से मुकद्दस फ्रांसिस भी जो है आज भी मार्था बैठी हुई है, खुदा का जब पैगाम सुनती कि खुदा आ रहा है, बैठी हुई है, उसे यकीन है कि जितनी भी तसल्ली मिल रही है उनसे अफजल जो तसल्ली है वो खुदावन यीशु मसीह ने तसल्ली अता करता है। आज बैठी हुई है, वो पहले भी खुदा के कलाम को सुन रही थी, बैठी हुई थी। और इसी तरह मुकद्दस फ्रांसिस की अगर ज़िंदगी पे गौर फौस किया जाए, उसे देखा जाए, तो वो भी खुदा के कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी में नशोनुमा देता है, उसे सुनता है, उस पर ध्यान व ज्ञान करता है। और जो हमारा ज़ाब्ता हयात है जिस पर हमने इस पूरी रिट्रीट पर गौर फौस किया, उसमें भी खुदा की मोहब्बत है। और यही जो ओबीडियंस की बात की जाती है, खुदा को सुनने की बात की जाती है, इस ज़ाब्ते हयात में भी हमें वो मिलता नज़र आता है कि किस तरह से खुदा के उस कलमे को जो है मुकद्दस फ्रांसिस ने अपनी ज़िंदगी में अवलिन तरजीह दी। और जो दूसरा करैक्टर हम देखते हैं, मार्था, हमेशा खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश रखती है। मुकद्दस फ्रांसिस ने भी ऐसा ही किया कि अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए हमेशा पेश रखा। उसने जो है गरीबों में जाकर खुदा की मोहब्बत को पहचाना, खुदा की कुर्बत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और अपने आप को हलीम बनाया। और इसी ईमान के ज़रिए से जो आज मार्था ईमान रखती है, क्या खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, यही ईमान मुकद्दस फ्रांसिस में भी था। कि वो ये जानता था कि जब खुदा उसके साथ है, जब जब भी वो जिस मुश्किलात से गुजरा, चाहे वो जेल में था तो उधर भी खुदा के कलमे को उसने जो है अवलीन तरजीह दी, उसे पढ़ा। जब कोड़ियों के साथ था तब भी उसने खुदा का फजल जो है गरीबों में उस कोड़ी में देखा, जो उसके लिए बिटरनेस था तजर्बा, लेकिन वो स्वीटनेस में बदल जाता है, यानी कि वो खुदा के उस कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। इसी तरह हम देख सकते हैं तीसरा करैक्टर, यानी कि लाजर, जो कब्र में है। और जैसे ही हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह वहाँ पर आता है और कहता है कि तेरा भाई जी उठेगा, मार्था कहती हाँ यो मैं आखिर को जो है वो जी उठेगा, यीशु कहता है क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो क्या तू इस पर ईमान लाती है? दो दफ़ा मार्था कहती है हाँ ऐ खुदावन मैं ईमान लाती हूँ। और इसी ईमान का इकरार करने पर खुदावन यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बरकतें दी हैं, फजाइल दी हैं, बहुत सारे मौजज़ात किए हैं। और खुदावन यीशु मसीह यही कहते हैं जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज इसी ईमान के वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से जो है खुदा जो है वो लाजर को क्या करता है, जिंदा करता है। और मुकद्दस फ्रांसिस भी अपनी इसी मोहब्बत, अपनी इसी फजल, इसी गरीबी में जो मोहब्बत उसने अपनी ज़िंदगी में देखी और गरीबों के साथ रहा, उसी गरीबी को जो है वो अपने ज़ाब्ता हयात में इस मोहब्बत का जो है हमेशा गरीब रहा। और इसी मोहब्बत में हमारा ज़ाब्ता हयात भी लिखा गया है और वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। बेशक मुकद्दस फ्रांसिस आज हमारे साथ जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन उनकी राइटिंग्स, उनका जो टेस्टमेंट है, उनका जो रूल है, जो उन्होंने लिखा है, वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में नशोनुमा पाया जाता है। और मुकद्दस फ्रांसिस हमारे ज़रिए से आज भी जो हम भाई उस पर ईमान रखते हैं, मोहब्बत से, जान पहचानी से उसे कबूल करते हैं और अपने बातों में इसका इकरार करते हैं, तो आज भी मुकद्दस फ्रांसिस हम जितने भाई हैं खुदा की बरकत हैं। और हम अपने टैलेंट की वजह से जो खुदा ने हमें अता किए हैं, मुकद्दस फ्रांसिस को बहुत सारे ऐसे जगहों पर फैला रहे हैं जहाँ पर गुरबत है, जहाँ पर ऐसे वसाइल नहीं हैं जहाँ पर खुदा के कलाम को जो है फैलाया जाए। तो मैं समझता हूँ हर एक इस कस्टडी में जो बसता है, रहता है, जो इस ऑर्डर को कबूल करता है, वो तो खुदा की तरफ से अनमोल तोहफा। आए खुदा से ये फजल चाहें कि खुदा हमें इसी मोहब्बत में, इसी फजल में और इसी ईमान में कायम और टाइम रखें। हम चंद लोगों की खामोशी में अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के जिंदा पाक नाम पर बहुत फोर्स करेंगे। हंसी हमारे खुदावन के वसीले से जाएँ, हम अपने जाए दुआएँ खुदावन के रसूल में पेश करते हैं।
हम दुआ करते हैं अपने आला चुपान को फ्रांसिस के लिए कि पैरा खुदावन हमारे इस बंदे को हमेशा तू अच्छी सेहत अता कर ताकि अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सके। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करे। हम दुआ भी करते हैं तमाम तर बिशप साहबान के लिए, फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, हम बशरान अंजीद के लिए जो खुदा का कलाम बड़ी जान फिशानी के साथ और मोहब्बत से लोगों में बांटते हैं कि पैरा खुदावन हमेशा अपने इन लोगों को बरकतों से नवाज। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं नंगे पुलिसिया के लिए, ख़ास तौर पर हाजिर जमात के लिए कि पैरा खुदावन तुम सबको ये फजल अता कर तेरे कलाम पर चलते हुए हमेशा दूसरों के लिए मोहब्बत का वसीला बने। इस मकसद के लिए दुआ करें। अभी आपके पास भी वक्त है, आप अपनी दुआएं दुआएँ खुदा के हुज़ूर पेश कर सकते हैं।
आपके हजूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे घर के अपने सारे पैसा के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। देकर हम कुछ करीम खुदावन की तारीफ करते हुए आजजी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं कि ऐ अजीम मालिक बख्श दे कि जिस तरह इस नेक खातून की पुर मोहब्बत खिदमत तुझे पसंद आई थी उसी तरह हम काबेदार बंदों की कमर बस्ती तेरी तेरे मकबूल नजर हो। मसीह खुदावन के वसीले से आमीन। खुदावन आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। ऐ कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तो अपने मुकद्दसों की शानदार गवाही के जरिए अपनी कलीसिया को हर वक्त नेकी की नई बरकत देता है और हमारे सामने अपनी मोहब्बत की यकीनी दलील लाता है। इसके अलावा वो अपने नमूने से हमें तेरी राह पर चलने का शौक दिलाते हैं और अपनी नेक सिफारिशों से हमें तेरे मकबूल नज़र कर देते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ शादमानी का नगमा गाते हुए तेरी तारीफ करते हैं। कदुस 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 खुदा वैश्वों के अल्लाह आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आदमी बाप और होशाना मुबारक है वो जो खुदाम के नाम से आता है। आदमी बाप और होशाना। ऐ मेहरबान बाप तू वाकई कदुस है, तू पाक है और हर पाक चीज तू ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया है। हमारे ईमान का भेद है खुदा, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि याद करके तुम आए। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजजी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रुलकुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेन ट्रेवस और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों और वालदैन पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम मरहूमों को याद फरमा और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक उम्मत कुमारी मरियम मुबारक रसूलों और उन मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में कुछ कादर मुतली खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आइए हम मिलकर वही दुआ दोहराएं जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है।
ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक न हो जाए, तेरी बात चली जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज को बख्शते हैं, तुम हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में मत डाल, बल्कि बुराई से बचा, ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शक्ति थी तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, आमीन। जहाँ के गुलाम उठा ले जाता है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बरे तुझ जहाँ के गुलाम उठा ले जाता है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बरे जहाँ के गुलाम उठा ले जाता है हमें इस्लाम के अनायत कर। अजीज़ ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियारत के लिए बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तुम्हें यहाँ तेरी सच्चाई देख मेरी खुशहाल है, मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी में महफूज रखे, आमीन। Thank you.
हफ्ते से पहले मैं काफ़ी कसकस और काफ़ी अजीम लोगों के दावा देता हूँ कि वो अपने ख्याल और अपने सफाई पेशा करें। शुक्रगुजारी का लम्हा है, हम ये पाक मास भी शुक्रगुजारी के तौर पर गुजार रहे हैं और अभी रस्मन भाइयों की तरफ से भाइयों का शुक्रिया करना है क्योंकि भाइयों की वजह से भाइयों के रिट्रीट मुमकिन हुई है। सो तमाम भाइयों की तरफ से, हमारे ऑनगोइंग डायरेक्टर फादर गुरु की तरफ से, मेरी तरफ से हम शुक्रगुजार हैं आप सब के, सबसे पहले सब भाइयों के कि आपने अपनी मसरूफियात में से इस रिट्रीट को अहम जाना और आप यहाँ पर हाजिर हैं। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारे साथ रहा है इस रिट्रीट में, हम सब ने खुदा के साथ का तजर्बा किया और शुक्रगुजारी का लम्हा ही है। तो खुदा का शुक्र करते हैं अपने भाई वॉलफ्रेड के लिए जिसको खुदा ने सेहत दी है। आज जब मुझसे कह रहे थे मैंने पाकमास में जाना, मैं चला जाऊँ, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि वो महसूस कर रहे हैं कि अभी वो चल फिर सकते हैं और वो भाइयों के साथ, भाइयों की ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा का हाथ इन पर था, भाइयों की शफकत इनके साथ थी, ये हमारी दुआओं में थे और खुदा का शुक्र भी करते हैं अपनी बरादरी के लिए कि बरादरी एक दूसरे के साथ है। बरादरी ने ही मुमकिन किया कि हम इस रिट्रीट, इस लम्हे तक अपनी इस रिट्रीट को, अपने इस सोच विचार को मुमकिन बनाएं। तो कुछ लोग हैं जिनका शुक्रिया अदा करना है, कोशिश करूंगा कोई रह ना जाए। सबसे पहले फ्राइडी कम्युनिटी, हमारे गार्डियन, स्टूडेंट मास्टर और तमाम भाई जो फ्राइडी में रहते हैं, इनका शुक्रिया। इन्होंने आपके क्याम को मुमकिन बनाया, आपकी ज़रूरियात को देखा और इसकी तैयारी की। तो फादर परवेज, फादर सलीम और तमाम ब्रदर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुमकिन बनाया कि हम इन दिनों में बड़े इत्मीनान के साथ सोचो विचार कर सकें। फिर हमारा डोमेस्टिक स्टाफ जो है, हमारा भाई इज़्ज़त, फ्रैंक और जो सब यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने हमारी ज़रूरियात को देखा, उन्होंने हमारी खिदमत की, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और शुक्रगुजार हूँ हमारी जमात के जो ऑनगोइंग डायरेक्टर हैं फादर गुल का, जिनकी निगरानी में हमने ये रिट्रीट की है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए और इन ख़ास लोगों के लिए जिन्होंने भी यहाँ सर्विसेज दी हैं, विशाल एस डीकर यहाँ पर रोज़ हमारे साथ रहे और नविशेट हाउस की कम्युनिटी एक कवरेज देती रही हमारी एक्टिविटीज़ को, ताकि वो लोग जो फादर विक्टर के चैनल के थ्रू देखते हैं वो भी देखें कि हम इस वक्त किस मरहले से गुजर रहे हैं। सो इन तमाम लोगों के का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहता हूँ कि आप सब इनके लिए और मैंने जैसे शुरू में कहा कि भाइयों की वजह से भाइयों की रिट्रीट मुमकिन हुई, तो जिस भाई ने हमें इन 5-6 दिनों में सोचो विचार में हमें गाइड किया, अभी मैं आप सब की तालियों में उन्हें यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ, ब्रदर क्लारेंस हया, कि वो सामने आए। रस्मी तौर पर या टाइम टेबल के लिहाज से तो ये रीडिंग आज यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी, लेकिन मैं अपने तजर्बे से और आप लोगों से जो मुझे वाइब्स मिल रही थी, मुझे ये पता है ये रिट्रीट जारी रहेगी क्योंकि हमें मटेरियल मिल गया, हमें सोर्स मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन शायद जैसे फादर जी ने अपने जो सेशंस थे उनमें बहुत दफ़ा कहा कि उनके लिए बहुत सारी बातें जो है वो रिन्यूअल हुई, रिन्यूअल के प्रोसेस से गुजरी है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातों की, बहुत सारे वादों की तजदीद हुई है और होगी, बहुत सारी चीज़ें फ्रेश हुई हैं हमारी मेमोरी में, हमारे चुनावों में, हमारे वादों में। तो मैं पूरी जमात की तरफ से फादर जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारी दावत को कबूल किया, इस रिट्रीट को तैयार किया, आपकी वजह से हम अपने ज़ाबता हयात को एक दफ़ा फिर दोहरा सके, तजदीद कर सके
और वो वादे और जो कस्में हमने अपनी अपने वादों पर और अपनी ज़िंदगी में की थी उनकी शायद तजदीद हो गई है। तो मैं ब्रदर वॉल्फ्रेड को दावत देता हूँ कि बेशक उन्होंने रिट्रीट में वो नहीं आ सके, आप सब जानते हैं उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो रिट्रीट में थे हमारी दुआओं के साथ और हमारी फिक्र और मोहब्बत के साथ। आज क्लोजिंग में कहने का मैं नहीं, मैंने लाजमी जाना है, तो मैंने कहा ठीक है हम इनको दोबारा मतलब खुशामदीद भी कहते हैं बरादरी की ज़िंदगी में और दरख्वास्त भी करता हूँ अगर आप पूछ सकते हैं तो जमात की तरफ से हमने जो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लिए छोटा सा हमारी तरफ से वो पेश करें। फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जो कहना था वो मैंने एंड पर कह दिया था, आखिर में सिर्फ यही थैंक यू मच, वी रियली हैव एंजॉयड ईच अदर, गॉड ब्लेस यू। अभी मैं फादर विक्टर सवेरा को दावत देना चाहता हूँ, सामने वो कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। शुक्रिया, मैं ऑनगोइंग कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मौका दिया है। मैं तमाम भाइयों को दावत देना चाहता हूँ रस्म इबादा के लिए जो 1 अगस्त को और सुबह 10:30 बजे होगी, तो आप सब भाइयों को दावत है कि लाजमन भाइयों की खुशी में शामिल हों। इसके साथ ही 2 अगस्त की सुबह 10:30 बजे जो है रस्म अहदबंदी होगी, पहली अहदबंदी होगी तो भाइयों की, तो उसमें भी आपको दावत है। और शाम को जो है गार्डियन कह रहे हैं कि शाम को इशारा करें, शाम को हम प्रशृंखला की ईद जो है वो मनाएंगे, शाम को 6 बजे सबको दावत होगी कि वो आएँ और हम जो है प्रेयर सर्विस करेंगे मुकस्सा मरियम के स्टैचू के पास और वहाँ से फिर खाने की टेबल तक जाएंगे। सो आप सबको इन तीनों प्रोग्राम के लिए, रस्म इबादत के लिए, पहली अहदबंदी के लिए और इसके साथ ही जो है वो पशुन क्लब फीस के लिए दावत है, आप सबका शुक्रिया। इसके साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ाबता हयात का उर्दू में तर्जमा किया गया है जिसमें हमारे लिए बहुत से भाइयों की काविश है, यकीनन इसमें हमारे भाई रीफन है, लेकिन उनके साथ जो है दूसरे भाई भी थे जिन्होंने इस जो है ज़ाबता हयात को उर्दू में तर्जमा करने और उसको जो है वो बुकलेट की शक्ल देने में जो है अपनी जो है मोहब्बत को प्यार को खिदमत को जो है वो पेश किया है। तो हम उन तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ब्रदर रीफत के साथ मिलकर इस ज़ाबता हयात को जो है उर्दू में जो है प्रिंट करने में जो है मदद की है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने इन रिट्रीट के दिनों में रूल्स पर या ज़ाबता हयात पर जो है बातचीत की है, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, पढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसी ज़ाबता हयात को जो है हम अपने गार्डियन डेट में जो है ज़रूर जब रिफ्लेक्शन होती है, जब हम जो है गैदरिंग होती है कोई नबी या कोई फीस होती है कोई नबी ऐसे ओकेजन होते हैं तो ज़रूर इस ज़ाबता हयात को अपनी अपनी कम्यूनिटी में जो है या गार्डियन नेट में जो है इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि और ज़्यादा गहरे तौर पर जो है इसका गौरव गौश करते हुए हम जो है अपनी ज़िंदगी में क्लासिकल ज़िंदगी को गुजारें और उसको अमल में लाते हुए दूसरे के लिए भी जो है बन गया। तो आप सबका एक बार फिर अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम भाइयों का कि जो इस रिपोर्ट में शरीक हुए, और यकीन ये रिपोर्ट हमारे लिए जो है हमारी ज़िंदगी के लिए जो है वो बात बरकत है।
और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें यकजा इकट्ठा मुठी किया ताकि हम भाई बहन मिलकर जो है अपनी रूहानी ईमानी और जो है जिंदगी में जो है मजबूत और साबित करेंगे। आगे हम सब मिलकर अपने सर को चुके मार्था ने यीशु से कहा कि तू मसीह जिंदा खुदा का बेटा है जो दुनिया में आने वाला था। ऐ खुदावंद खुदा बख्श दे कि तेरे इकलौते बेटे के जिस्म और खून की शराकत हमें सब फानी चीज़ों के तमाश से महफूज रखे ताकि हम मुकद्दसा मार्था की तरह इस जहां में सच्ची मोहब्बत के तुझे प्यार कर सकें और आसमान में हमेशा के लिए तुझे देखकर शादमान रहें। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ खुदाबा और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर हमेशा से हमेशा तक कायम और दायम रहे। आमीन। बादशाह की खुशी और शांति से खुदा का शुक्र हो। बस बस ऐसे आराम से मुकम्मल।